नमस्कार, मैं पूर्वा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आम आदमी पार्टी के आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अंबेडकर नगर विधानसभा के विधायक अजय दत्त हैं। पहले तो आपके पार्टी के 7 साल पूरे होने के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। पिछले 7 साल में 5 साल आप सरकार में रहे, कौन कौन से मुख्य काम थे जिस पार्टी के विजन को लेकर सरकार आई थी और उसको वो पूरे हो चुके हैं? देखिए, हमने पानी फ्री से लेके बिजली फ्री और स्कूलों का जो वर्ल्ड क्लास हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट बनाया है, कि बुजुर्गों को हमने तीर्थ यात्रा पे सरकार के खर्चे पे भेजना शुरू किया, जिससे कि बुजुर्गों को लगने लगा है कि भाई हमारा भी कोई देखने वाला है। ये सरकार हर एक उस व्यक्ति की है, हर एक उस बच्चे की है, युवा और बुजुर्ग की है जो दिल्ली का नागरिक है। तो ऐसे तमाम काम किए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसे हम फरिश्ते योजना कहते हैं, जिसके अंदर भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो किसी भी राज्य का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे यूपी, बिहार, कहीं का भी हो, पूरे भारतवर्ष का, उसका फ्री इलाज सरकारी हॉस्पिटल में तो होगा ही, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो भी उसका खर्चा आएगा, चाहे 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार दे रही है। और जो व्यक्ति उस एक्सीडेंट वाला विक्टिम है, उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाएगा तो उसको एक प्रशस्ति पत्र फरिश्ते के नाम से दिया जाएगा और उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम दिल्ली की जनता का तो विकास कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम जो देश के तमाम लोग हैं जो दिल्ली में आते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की हम गारंटी ले रहे हैं। तो आज दिल्ली में हर जगह एक बड़ा खुशी का माहौल है, लोग बड़े खुश हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से। दोबारा अगर सरकार बनती है तो कौन से वादे हैं जो आप करना चाहेंगे जनता से? देखिए, मुझे लगता है जो हमारे मैनिफेस्टो में जो भी हमने कहा था उस पर हमने पूरा सभी पे काम किया है। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली को विश्व का, सिर्फ भारत के नहीं, विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाए। उसके लिए हमें आगे जो भी करना है, जैसे भी और हमें स्वास्थ्य में, शिक्षा में बहुत और काम करने हैं। जहाँ जहाँ अभी तक मेरे ख्याल से 80% जगह पर हमने पाइपों से पानी पिला दिया है, तो उसमें भी और काम करना बाकी है। और एक काम हम करने जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक को कैसे कम किया जाए। वैसे तमाम मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता को, हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ मिलकर काम करें और दिल्ली को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाए, यही हमारी आगे की रणनीति होगी। प्रदूषण से दिल्ली परेशान है, पिछले 3-4 साल से लगातार हर ठंडियों की दिक्कत होती है, हर साल ये समस्या होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, प्रदूषण पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में ही नहीं आया, ये तो कई सालों से, 20 सालों से चल रहा था। और दिल्ली का अपना कुछ कोई क्लाइमेट नहीं है, जैसे ही ठंड का मौसम आता है और किसान अपनी पराली जलाने लगते हैं तो यहाँ धुंध के तौर पे सारा धुआं नीचे बैठ जाता है, जिससे कि प्रदूषण का लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमने ऑडी 1 चलाया जो बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारी सरकार की तमाम एजेंसियाँ हैं, उसने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई है, बाहर की गाड़ी दिल्ली में आने से रोक लगाई है, ऐसे तमाम इलाज किए जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण को रोका जाए। जगह जगह छिड़काव किए जा रहे हैं, पेड़ों को और लगाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिससे दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोक रही है। और मुझे लगता है कि ये कोई एक दिन में समाप्त होने वाली लड़ाई नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रदूषण की समस्या की जो जड़ है वो दूसरे राज्यों से पराली जो जल के आती है उसको रोका जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, दिल्ली में प्रदूषण रोकना बड़ा ही मुश्किल काम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार साथ की जो हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को बोला है, वहाँ के सारे चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया है, उनको बार बार लताड़ा है कि आप प्रदूषण क्यों नहीं रोक रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि दिल्ली में आप एक बम फोड़ दो जिससे कि ये प्रदूषण क्या लोग ही ख़त्म हो जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट भी इतना परेशान है, उसको पता है कि जो बाकी राज्य हैं वो कॉपरेशन के मूड में नहीं है। अब बाकी राज्य क्यों नहीं करे कॉपरेट, वो आपको पता है। हरियाणा में और यूपी जो हमारे निकटवर्ती प्रदेश हैं, उन दोनों में बीजेपी की सरकार है। मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी अपने राज्यों को क्यों नहीं ठीक कर पा रही है। तो ये प्रदूषण पे हमारा काम जारी है, लेकिन बाकी के जो राज्य हैं उनको भी करना पड़ेगा।
ऐसे तमाम तरह की योजनाएं जो केजरीवाल सरकार ने चलाई उससे लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार ये टिप्पणी होती है कि चुनाव के जस्ट पहले इनको याद आता है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो पिछले कई सालों से अच्छे होते जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से स्कूलों का रिजल्ट 10वीं और 12वीं का प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट से 10 और 12% अच्छा आया। उस समय तो कोई चुनाव नहीं थे। हॉस्पिटल लगातार अच्छे हो रहे हैं, उस समय कोई चुनाव नहीं थे। मोहल्ला क्लिनिक करीबन 3 साल से चल रहे हैं, उस समय तो कोई चुनाव नहीं थे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो चुनाव से कोई इसका संबंध नहीं है। पानी की मैंने अपने यहाँ टैंकर माफिया 6 से 8 महीने में ख़त्म कर दिया था, उस समय तो कोई चुनाव नहीं थे। मैंने BRT, हमारी सरकार ने और मैंने खुद मिलकर BRT तोड़वाई, उसको ठीक कराया, उसमें तो कोई चुनाव का मुद्दा नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें हम दिन रात करते जा रहे हैं। कैमरे जो हमारे मैनिफेस्टो में था वो हमने लगवाए, वो तो कोई चुनाव का मुद्दा नहीं था। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने की वो हमारे मैनिफेस्टो में थी, हमने क्रमबद्ध तरीके से की हैं। और आपको पता है कि समय समय पर विपक्षी पार्टी और हमारे LG साहबों ने उस पर रोक लगाई है, फाइलें रोकी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट के 3 मंत्रियों को उनके घर पे धरना देना पड़ा और बार बार उनसे ये लड़ाई चलती रही कि भाई आप दिल्ली के कामों को रोके नहीं। तो इसमें चुनावों का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, मैं आपकी जानकारी के ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि BJP के पास हमें कोसने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई मुद्दा है तो आए डिबेट करें, जनता में चलें, जनता से बात करें। अगर जनता कहती है कि सही मुद्दा है तो उस पर हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई मुद्दा ना होकर ज़बरदस्ती मुद्दा बनाना तो विपक्ष का काम है, वो तो हो गई। ये थे हमारे साथ विधायक अजय दत्त, जिन्होंने पिछले 7 साल में जो आम आदमी पार्टी की जो मुख्य काम थे उनको गिनाए। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडी न्यूज़।